हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका द लर्नर चैनल स्टोरी पर। साथियों, आज हम सेल वॉल पर कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आए हैं। साथियों, ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आपके नीट एग्ज़ाम, टीजीटी एग्ज़ाम और वो सभी एग्ज़ाम जिसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए साथियों, आज हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करते हैं सेल वॉल पर। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स इज एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे। मतलब जैसे मान लीजिए एक सेल ये है, ठीक है, एक सेल ये है और इसका एडजेसेंट सेल ये है, ठीक है। कह रहा है कि एक सेल मान लीजिए सेल वन है और ये सेल टू है, ठीक है। तो कह रहा है एडजेसेंट सेल का जो इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो किस स्ट्रक्चर के द्वारा होता है। मतलब सेल वन का जो मटेरियल है वो सेल टू में जाता है और सेल टू का मटेरियल सेल वन में जाता है। जैसे मान लीजिए कुछ मटेरियल यहाँ पर है और ये इसमें चला गया सेल टू में, और सेल टू का कुछ मटेरियल सेल वन में आ गया। तो ये किस स्ट्रक्चर के माध्यम से जाता है, या ये हम कहें कि एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में चला जाता है, तो किस स्ट्रक्चर के माध्यम से जाता है। मतलब कौन सी ऐसी संरचना है जो सेल वन के साइटोप्लाज्म को सेल टू के साइटोप्लाज्म में भेज देती है। तो दोस्तों वो होता है प्लाज्मोडेस्मेटा। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये क्या है, ये प्लाज्मोडेस्मेटा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिडिल लैमिला इज मेड अप ऑफ। तो पहले जानते हैं कि मिडिल लैमिला क्या होती है। जैसे मान लीजिए एक सेल ये है, ठीक है, एक सेल ये है और दूसरी सेल ये है, ठीक है, ठीक है, दूसरी सेल ये है। इनको जोड़ने का काम क्या करती है, मिडिल लैमिला। जैसे मान लीजिए एक ईंट है, एक ईंट है, ठीक है, और दूसरा ईंट है। इनको जोड़ने का काम कौन करता है, सीमेंट करता है। अरे सीमेंट लगाते हैं तभी तो जुटता है। ऐसे ही दो सेल को चिपकाने का काम कौन करता है, मिडिल लैमिला करती है। दो सेल को जोड़ने का काम कौन करता है, मिडिल लैमिला करती है, ठीक है। और मिडिल लैमिला किसके बनी होती है, तो दोस्तों ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनल लेयर ज्वाइनिंग द प्राइमरी वॉल ऑफ द टू एडजेसेंट सेल इज नोन एज, ठीक है। तो कह रहा है द इंटरनल लेयर, मतलब जैसे मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, ये सेल है और ये सेल का प्राइमरी वॉल है, ये सेल का प्राइमरी वॉल है, ठीक है, ये सेल का प्राइमरी वॉल है और ये सेल है, एक सेल ये भी है, ठीक है, और इसका बाहर का प्राइमरी वॉल ये है। तो कह रहा है दो सेल के प्राइमरी वॉल को एडजेसेंट कौन करती है, द इंटरनल लेयर ज्वाइनिंग द प्राइमरी वॉल ऑफ टू एडजेसेंट सेल। जैसे मान लीजिए एक सेल ये है और दूसरा सेल ये है और इसका प्राइमरी वॉल ये है और इस सेल का प्राइमरी वॉल ये है, तो इन दोनों को ज्वाइन कौन करती है वो पूछ रहा है। तो मैंने आपको अभी बताया कि दो सेल को एडजस्ट करती है, दो सेल को ज्वाइन करती है कौन, मिडिल लैमिला। एक ईंट ये है, एक ईंट ये है, अरे इनको जोड़ता कौन है भैया, सीमेंट का जोड़ता है ना, अरे सीमेंट ही तो जोड़ता है। एक सेल ये है और सेल के सबसे बाहर की लेयर जो बनती है वो प्राइमरी वॉल होती है, और ये सेल है और इसकी बाहर की लेयर क्या होगी, प्राइमरी वॉल होगी, और इन दोनों को कौन जोड़ेगा, इन दोनों को जोड़ेगा मिडिल लैमिला। कौन जोड़ेगा, मिडिल लैमिला। और मिडिल लैमिला किसकी बनी होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी ऑफ ए सेल वॉल इज ड्यू टू द सब्सटेंस नोन एज। मतलब किसी भी सेल वॉल की स्ट्रेंथ और रिजिडिटी किसके द्वारा होती है, ठीक है ना दोस्तों। तो वो किसके द्वारा होती है, वो लिग्निन के द्वारा होती है, ठीक है। लिग्निन के कारण किसी सेल वॉल में स्ट्रेंथ और रिजिडिटी आती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा
सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट एबेंडेंट सब्सटेंस ऑफ मिडिल लैमेला। तो मैंने आपको बताया कि मिडिल लैमेला कैल्शियम और मैग्नीशियम किसकी बनी होती है, पैक्टेट। किसकी बनी होती है, पैक्टेट। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है, तो अर्थात इसमें रिच अमाउंट में क्या होगा, पैक्टिन होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मैच्योर प्लांट सेल हैज, पहला ऑप्शन है सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्म, दूसरा है प्रोटोप्लाज्म एंड वैक्यूल, तीसरा है वैक्यूल एंड सेल वॉल, चौथा है प्रोटोप्लाज्म सेल वॉल एंड वैक्यूल। ठीक है ना दोस्तों, तो एक मैच्योर प्लांट सेल में क्या क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए ये मैच्योर प्लांट सेल है, तो इसमें क्या होगा, इसमें प्रोटोप्लाज्म होगा, प्रोटोप्लाज्म भरा होगा। ठीक है, और बाहर की तरफ क्या होगा, सेल वॉल होगा। बाहर की तरफ क्या होगा, बाहर की तरफ सेल वॉल होगा। ठीक है ना, और क्या होगा, और वैक्यूल होगा, बहुत से बहुत बड़ी वैक्यूल पाई जाती है प्लांट सेल में। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें होती हैं एक मैच्योर प्लांट सेल में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ। देखिए दोस्तों, प्लांट का सेल वॉल किससे बना होता है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। ठीक है ना, किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। ठीक, और सेलुलोज के साथ में क्या होता है, सेलुलोज के साथ में भी पाया जाता है हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन और पेक्टिन। ठीक है, हेमीसेलुलोज, लिग्निन और LIG NIN, लिग्निन, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा, लिग्निन, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और सेलुलोज। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पॉलीसेक्राइड विथ बीटा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड्स। ठीक है, बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लैक्टो नहीं है, बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ठीक है ना, तो दोस्तों आइडेंटिफाई द पॉलीसेक्राइड विथ बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो पॉलीसेक्राइड तो स्टार सेलुलोज ग्लाइकोजन ये सब है, लेकिन इसमें बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस में पाया जाता है, बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स पाया जाता है दोस्तों हमारा किसमें, सेलुलोज में। ठीक है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल वॉल इज अब्सेंट इन, पहला ऑप्शन है गैमेट्स, दूसरा है माइकोप्लाज्मा, तीसरा है अमीबा, चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों सेल वॉल किस में अब्सेंट होता है, पहले ये देखिए, सेल वॉल एनिमल सेल में अब्सेंट होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। और किस में नहीं पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, और एक प्रोकैरियोट होता है, प्रोकैरियोट होता है, इसको कहते हैं माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, इसमें भी क्या होता है, सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, तो एनिमल अमीबा क्या है, एनिमल है। ठीक है, अमीबा क्या है, एनिमल है, तो इनमें भी सेल वॉल नहीं होगा। ठीक है, गैमेट्स में भी नहीं पाया जाता है, माइकोप्लाज्मा में भी नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये बात तो सही है। दिस इज बिलीव्ड टू बी, पहला ऑप्शन है ए लिक्विड, दूसरा है ए प्रोटीन, तीसरा है ए पॉलीसेक्राइड और चौथा है एन अमीनो एसिड। मतलब ये कह रहा है कि जो प्लांट सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और सेलुलोज क्या होता है, लिक्विड होता है, प्रोटीन होता है, पॉलीसेक्राइड होता है, एमिनो एसिड होता है। तो दोस्तों जो सेलुलोज होता है वो क्या है, सेलुलोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट तीन टाइप के होते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, लेकिन सेलुलोज क्या है, पॉलीसैकेराइड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो तीन टाइप का होता है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो तीन टाइप का होता है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, और जो हमारा सेलुलोज है वो क्या है, पॉलीसेकेराइड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ए प्रोटोप्लास्ट इज ए सेल विदाउट न्यूक्लियस अंडर गोइंग डिवीजन विदाउट सेल वॉल विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एक जो ए प्रोटोप्लास्ट इज ए सेल मतलब ऐसा सेल जिसमें क्या हो सेल वॉल ना हो उसको क्या बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए प्रोटोप्लास्ट इज ए सेल। प्रोटोप्लास्ट एक ऐसा सेल है जिसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द सेल वॉल्स ऑफ गार्ड सेल सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स आर ओरिएंटेड। पहला है रेडियली, दूसरा है ट्रांसवर्सली, तीसरा है टेंजेंशियली, चौथा है ऑब्लिकली। तो दोस्तों सेल वॉल ऑफ गार्ड सेल में जो सेलुलोज के माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं वो कैसे ओरिएंटेड होते हैं, वो ओरिएंटेड होते हैं रेडियली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल सब्सटेंस फाउंड मोस्ट एमेंटली इन द मिडिल लैमेला इज रिलीज्ड इनटू फ्रेग्मोप्लास्ट बाई। पहला ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तीसरा है स्पिंडल फ्रेगमेंट्स, चौथा है इंटरजोनल फाइबर्स। तो दोस्तों द केमिकल सब्सटेंस मोस्ट एमेंटली इन द मिडिल लैमेला इज रिलीज्ड इनटू फ्रेग्मोप्लास्ट बाई गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द करेक्ट फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो पहला ऑप्शन है बोथ आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो गलत है ये, तो गलत हो जाएगा क्योंकि बैक्टीरिया की सेल वॉल किसके बनी होती है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड इससे बनी होती है। ठीक है। और इसी को पेप्टिडोग्लाइकन कहते हैं। बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ठीक है ना। और फंजाई की सेल वॉल किससे बनी होती है काइटिन की बनी होती है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बोथ हैव म्यूको पेप्टाइड। नेक्स्ट है बोथ आर मेड अप ऑफ एन एसिटोग्लूकोसेमाइन। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है। तो दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा सेलुलोज तो नहीं होगा क्योंकि ना तो फंजाइम होता है ना बैक्टीरियम होता है। बोथ हैव म्यूको पेप्टाइड, तो म्यूको पेप्टाइड तो नहीं होता है लेकिन ये ऑप्शन थोड़ा सही लग रहा है। ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोथ आर मेड अप ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन यानी NAG। ठीक है ना। ये कुछ करेक्ट है, बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं है लेकिन अब एक सब में ढूंढना पड़ेगा तो ये ज़्यादा करेक्ट दिख रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्लांट्स बोथ सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज आर मेजर कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज मेजर कंपोनेंट किसके होते हैं दोस्तों सेल वॉल के होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQ थे सेल वॉल के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद।